हेलो गाइस, यू आर अगेन वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड वीडियो लेक्चर्स। सो जानते हैं कि पहला चैप्टर जो कि हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसका सभी टॉपिक का एक एक वीडियोस बहुत ही अच्छे से हम अपलोड कर रहे हैं, और अभी तक हमने फिफ्थ टॉपिक तक पढ़ लिया है, मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर से। इससे पहले का एक वीडियो जो है फिफ्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट छूट गया था, तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं। रोटर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस ईएमएफ एंड करेंट, एज वेल एज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर भी हम पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और जहाँ ना समझ में आए प्लीज़ पूछ लीजिए कमेंट करके। तो जस्ट कम ऑन द टॉपिक ऑफ टुडे, रोटर रिएक्टेंस इंडक्टेंस ईएमएफ एंड करेंट। मतलब रोटर के हम इंडक्टेंस ईएमएफ और करेंट को हम देखेंगे, कैसे रोटर में क्या हो जाता है। आप जानते हैं कि रोटर में जैसे ही हम अपने स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो रोटर में इंड्यूस होता है, तो कैसे होता है, क्या होता है, कैसे स्लिप आता है, वो सभी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे रोटर ईएमएफ। तो हम जानते हैं, एज वी नो दैट, कि इंड्यूस ईएमएफ, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिलेटिव स्पीड। जितना जब रिलेटिव स्पीड होगी तभी हमारा ईएमएफ क्या होगा, रोटर में इंड्यूस होगा, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो एक हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड में से हम अगर रोटर का स्पीड हटाते हैं तो उसी को हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, इट्स क्लियर। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लाने के लिए ई2 इक्वल टू क्या कर लेंगे, के लाएंगे, कि जहाँ की कांस्टेंट है ns - nr। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान के चलिए यही इसी फॉर्मूले में हम देखें कि अगर जीरो स्पीड पे हम जानते हैं कि हमारा इनर जो होता है जीरो स्पीड मतलब जब हमारा एनआर जीरो हो, जब एनआर को यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ई1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एन एस, क्योंकि हमारा ये एनआर जीरो है। तो इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, और ये ऊपर वाले को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए हम क्या पाएंगे, जब E2 डिवाइड बाई E1 होगा तो हम क्या पाएंगे, ये के एन एस माइनस एन आर अपन के एन एस। तो यहाँ से आप जानते हैं, देखेंगे के से के कट गया, के से के तो बहुत ही ईजिली कट गया, और हमारा क्या बचा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं ns - nr इक्वल टू स्लिप होता है। तो यहाँ बहुत इजीली हम लिख सकते हैं E2/E1 इक्वल टू s आया, तो E2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके s × E1। तो यहाँ से यही मालूम हुआ कि जब ये जो हमारा E1 है, E1 जो है आप देख सकते हैं, जो हमारा E1 आ रहा है, E1 ये स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग का EMF है, लेकिन ये जो है ये EMF हमारा मतलब जब रनिंग कंडीशन का है, तो रनिंग कंडीशन में हमारे EMF में जो है स्लिप से मल्टीप्लाई होता है, जो स्टार्टिंग का ईएमएफ है उसमें स्लिप का मौजूदगी आ जाता है, कब, रनिंग कंडीशन में। तो ये तो हमारा हमने पहला देख लिया कि रोटर ईएमएफ पहला हो गया। उसके बाद हम रोटर ईएमएफ के बारे में पढ़ लिया, आप रोटर रिएक्टेंस के बारे में देखेंगे। तो रोटर रिएक्टेंस में क्या होगा, जैसे आप जानते हैं रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टू पाई एफ एल एट स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग में 2πfL होता है, लेकिन रनिंग करेगा। तो अब अभी आपने देखा कि हमारे ईएमएफ में भी स्लिप से मल्टीप्लाई हो गया था, जब इसमें हम स्लिप से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्लिप को अगर हम जैसे हमने मल्टीप्लाई किया उसको बाहर आया और 2πfL लिखा, तो X2 जो है रनिंग कंडीशन का है और X जो है स्टार्टिंग कंडीशन का है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं रिएक्टेंस क्या हो जाता है, रिएक्टेंस स्लिप पे निर्भर करता है, और रिएक्टेंस से हमारा रनिंग कंडीशन में स्टार्टिंग कंडीशन के स्लिप से मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट सिंपल। उसके बाद रोटर करंट देखते हैं। तो आप जानते हैं कि जो स्टार्टिंग में करंट होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू ईएमएफ अपन रिएक्टेंस इंपीडेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हम इसका अगर मॉड लेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में E2, और आप जानते हैं कि इम्पीडेंस इक्वल टू √R2 का होल स्क्वायर होता है ना, प्लस Z2 का होल स्क्वायर, राइट, एट स्टार्टिंग कंडीशन। देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो ये देखना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन। लेकिन आपने अभी देखा कि स्लिप क्या होता है रनिंग कंडीशन में, उसमें स्लिप मतलब हमारा ईएमएफ में स्लिप आ जाता है, अब रनिंग कंडीशन का हम देख रहे हैं, तो इसमें स्लिप आ गया। फिर से हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस में तो कोई स्लिप नहीं होता है, रेजिस्टेंस अभी नीचे आप देखिए, रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट इन स्टार्टिंग टू रनिंग कंडीशन, मतलब हमारे इंडक्शन मोटर में जो भी हम रेजिस्टेंस लेते हैं, रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है स्लिप से हमारा। तो रनिंग कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, s E2/R2 का होल स्क्वायर प्लस j X2, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे रिएक्टेंस है बहुत अच्छे से, रिएक्टेंस में भी स्लिप से मल्टीप्लाई हो जा रही है, एज वेल एज जो हमारा ये ईएमएफ है, ईएमएफ भी रनिंग कंडीशन में स्लिप से मल्टीप्लाई हो जा रही है। तो ये हमने देख लिया करंट हमने देख लिया कि करंट में क्या हुआ, करंट में भी स्लिप आया, स्लिप से निर्भर किया, कैसे किया, और हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है स्टार्टिंग से रनिंग कंडीशन तक। उसके बाद हम रोटर पावर फैक्टर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। जो पावर फैक्टर आप जानते हैं, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है रनिंग कंडीशन में R2/Z2, मतलब इम्पीडेंस,
स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में R2 का होल स्क्वायर और X2 का होल स्क्वायर होगा केवल, मतलब हमारा पावर फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें स्लिप से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग में है। लेकिन जहाँ ही रनिंग कंडीशन में आया, आप देख सकते हैं जैसे ही रनिंग कंडीशन में आया, मतलब स्लिप से मल्टीप्लाई हो गया, स्लिप से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमारा अभी देखें रेजिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट होता है, स्लिप से कौन, केवल कौन डिपेंड करेगा? रिएक्टेंस। और आप जानते हैं कि रिएक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो यहाँ आप देखेंगे अगर हम स्लिप का, और एक तो 0 से 1 के बीच में होता है इसका, और हम होल स्क्वायर करें तो और कम हो जाएगा। तो जब इसका वैल्यू टोटली कम होगा तो आप देख सकते हैं कि डिवाइड में है, तो हमारा कॉस फाइव जो है बढ़ेगा। तो रनिंग कंडीशन में देख रहे हैं हमारा पावर फैक्टर यहाँ से बढ़ रहा है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ स्लिप मल्टीप्लाई नहीं है, तो हमारा इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जब इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो कॉस फाइव रनिंग स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर लो होगा। तो उसी को हमने लिखा यहाँ पे, देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज़ हाई इन रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन में हाई क्यों? क्योंकि स्लिप आ रहा है, और स्लिप का होल स्क्वायर होगा टोटल, इसकी वैल्यू घटेगी। इसकी वैल्यू घटेगी तो पावर फैक्टर की हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज़ हायर इन रनिंग कंडीशन बट वेदर इज़ इन लोअर, मतलब लोअर इन स्टार्टिंग कंडीशन। आई होप इट्स क्लियर। अब चलते हैं आज का मेन टॉपिक जो है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। तो देखिए इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत इजीली जो है स्टेटर और रोटर का सभी जो भी कंपोनेंट है उसको हम एक जगह, मतलब एक एक सिंगल लाइन डायग्राम जैसे बना के उसको हम इजीली स्टडी कर सकें। तो देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारा स्टेटर में करंट I1 आता है, उसमें रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें वाइंडिंग होती है, कॉयल होता है, फिर से उसमें अंदर जो होते हैं हमारा करंट जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो ये I0 इधर आएगा, और I0 मतलब जो भी करंट बचेगा ये इधर जाएगा। I0 करंट इनमें बहुत कम, मतलब नो लोड करंट इधर आएगा, और एक तो करंट जो होगा ये एक वर्किंग कंपोनेंट है, IL जो है वर्किंग कंपोनेंट है, और IM जो है ये क्या है, XM मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, IM मैग्नेटाइजिंग करंट है, और XM जो है रिएक्टेंस है, राइट। तो सबसे पहले देखिए एट स्टार्टिंग हम बताना क्या चाहते हैं, स्टार्टिंग में हमारा जो ये मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में हमारा इंडक्शन मोटर को फ्लक्स बनाना होता है, और फ्लक्स बनाने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ही नीड होती है। तो एट स्टार्टिंग हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है। आप कहीं भी, मतलब कंपटीशन पूछ सकता है स्टार्टिंग मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों कम होती है, क्यों ज़्यादा होती है, सॉरी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि फ्लक्स बनाना होता है, रोटेट कराना होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना होता है। इसीलिए हमारे स्टार्टिंग में जो होता है मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होती है वर्किंग कंपोनेंट से। तो ये तो हो गया हमारा स्टेटर का, हमने देख लिया कैसे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे रोटर होता है, और रोटर यहाँ पे हमने दिखाया है, रोटर के अंदर हमने कंडक्टर लिया हुआ है। रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप कितना होता है? 0.4 से 4 mm तक होता है। ये आप याद रखने की चीज़ है, याद रखिएगा। अब रोटर में भी हम देखेंगे, रोटर में भी देखिए एक रेजिस्टेंस होगा, इम्पीडेंस होगा। तो रोटर में जो होगा रेजिस्टेंस, अभी हमने ऊपर बताया कि रेजिस्टेंस कोई डिपेंड नहीं होता है स्लिप पे, लेकिन जो हमारा E2 होता है, E2 यहाँ पर स्लिप आएगा, देख लीजिए यहाँ पर E2 जो होगा वो स्लिप पर डिपेंड करेगा, और हमारा जो रिएक्टेंस है ये भी स्लिप पर डिपेंड करेगा। तो हमने एक सिंगल, मतलब डाइग्राम बना के हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, इसके आगे भी हम देखेंगे क्या करने वाले हैं। तो देखिए हम जैसे कि हम इसमें स्टार्टिंग में कोई भी, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन कोई स्लिप पे डिपेंड नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा रोटेटिंग कंडीशन में देख रहे हैं इम्पीडेंस और जो ईए है, सॉरी इम्पीडेंस नहीं, रिएक्टेंस जो है, रिएक्टेंस और जो ईएमएफ है वो स्लिप पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ऐसा कुछ, मतलब फॉर्मूला में देखिए ऐसा कुछ, मतलब इम्प्रूवमेंट या मॉडिफाई करके देखिए हम कैसे क्या करते हैं कि स्लिप हटाना, कैसे भी हमें स्लिप हटाना है, हमको जो रोटेटिंग पार्ट में स्लिप आ रहा है ये, इस स्लिप को हमें स्टार्टिंग कंडीशन जैसा बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो रनिंग कंडीशन में हमारा I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC2/ZX2। तो यहाँ से स्लिप, आप जानते हैं स्लिप आ गया है मतलब EMF में, और यहाँ पे अगर इसको मतलब इम्पीडेंस का फॉर्मूला लिखे तो हम जानते हैं R2 का होल स्क्वायर प्लस JX2, JX2 का होल स्क्वायर होगा ना, हाँ चलिए होल स्क्वायर होगा। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड नहीं लिया है, तो आप जानते हैं कि इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होगा, R2 + JX2 X2 होगा। तो यहाँ से हमें स्लिप हटाना है, देखिए ऊपर से और नीचे से, तो एक ही केवल इसका फॉर्मूला है। हम स्लिप कैसे हटा सकते हैं, जब स्लिप से ऊपर और नीचे हम डिवाइड करेंगे, तो ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो E2 से हट जाएगा, यहाँ रिएक्टेंस से हट जाएगा, लेकिन अब रेजिस्टेंस में आ गया, अब तो और हमें दिक्कत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट होता है, उस कोई डिपेंड ही नहीं होता स्लिप पे। तो अब एक और तरीका है, देखिए क्या करते हैं, E2 तो मतलब हमने डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, R2/S में R2 एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, देखिए यही वैल्यू को प्लस और माइनस करेंगे तो कोई हमारे, मतलब मेन वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब क्या करेंगे, देखिए एक R2 जो है ये R2 और
एक जे एक्स टू, आर टू और जे एक्स टू को एक साथ लेंगे और ये इसको एक साथ लेंगे। जब इसको एक साथ लेंगे तो आर टू जे एक्स टू आ गया और आर टू बाई एस और आर टू यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से देखिए मैथ का मतलब यूज करके हम देख सकते हैं कि आर टू बाई एक्स जो होगा एक साथ ले लिए और इसको हमने इम्पिडेंस कह दिया, इम्पिडेंस मतलब रनिंग इम्पिडेंस। और ये जो आर टू यहाँ से कामन ले लेंगे दोनों में से न्यूमरेटर जो कामन लेंगे तो वन बाई एस और आर टू। अब देख सकते हैं अब इस फॉर्मूले में कहीं भी हमारा ना तो ये ईएमएफ, ना तो रेजिस्टेंस, ना तो हमारा मतलब इम्पिडेंस कोई भी हमें हम देख सकते हैं क्वांटिटी स्लिप पर निर्भर नहीं है। तो नाउ हेयर जो रनिंग कंडीशन में भी ऐसा हमने फार्मूला को सेटअप कर दिया कि स्लिप पे डिपेंड नहीं है। और ये जो पार्ट है इस पार्ट को मैकेनिकल लोड कहते हैं क्योंकि रनिंग कंडीशन में हम मैकेनिकल मतलब लोड तो लगाए ही हैं। तो ये हो गया इम्पिडेंस, रनिंग इम्पिडेंस, ये हो गया ईएमएफ जो कि इसमें स्लिप से मतलब डिपेंडेंट है। अब इसका हम सर्किट डायग्राम बना के और देख लेते हैं और इसको प्रूव भी कर देते हैं। देखिए आई टू करेंट आया है मतलब ये रोटर है, रोटर में ये क्या है ईएमएफ है और अब ये ईएमएफ में हमारा स्लिप नहीं है, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है रिएक्टेंस है, इसमें भी स्लिप नहीं है। लेकिन ये जो है मैकेनिकल लोड है, मैकेनिकल लोड आरएल, और आरएल बराबर क्या आया था आर टू बाई एस, देख सकते हैं मैकेनिकल लोड बराबर क्या आया था आर टू बाई एस और वन माइनस एस, यहाँ से एस बाहर लेंगे तो वन माइनस एस आ जाएगा आर टू अगर कॉमन लेंगे तो, राइट। तो ये हमारा मैकेनिकल लोड हो गया। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए जब स्लिप जीरो होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। कैसे, देखिए जब स्लिप यहाँ पे जीरो होगा तो वैल्यू इसका क्या आ जाएगा आर एल का, आर एल बराबर जीरो। लेकिन स्लिप अगर यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे अगर स्लिप वन होगा तो हमारा देखिए अग एक बार और देखिए जब हमारा स्लिप जीरो होगा, स्लिप जीरो होगा तो हमारा आर एल क्या हो जाएगा, आर एल जो होगा इन्फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। तो हमारा आर एल जो होगा इन्फाइनाइट हो जाएगा। इन्फाइनाइट मतलब क्या, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब क्या, यहाँ पे जो हमारा स्पीड हो जाएगा, जैसे अगर हम स्लिप जीरो करेंगे तो एन आर बराबर एन एस होगा, तो इस टाइम पे हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और हमारा जो रोटर होगा वो एन एस स्पीड से रोटेट करेगा। जरा गौर कीजिए तभी ध्यान से सुनेंगे तभी आएगा। अब दूसरे में स्लिप वन होगा, स्लिप वन कब होगा जब जब एन आर बराबर जीरो होगा, और एन आर जीरो मतलब स्लिप जीरो होगा जब स्लिप हमारा वन होगा। देखिए स्लिप अगर हमारा वन होगा तो आर एल जो होगा यहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आर एल बराबर जीरो हो जाएगा। आर एल बराबर जीरो हो गया तो ये हमारा जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या ब्लॉक कुछ भी रोटर कह सकते हैं, तो मतलब वो है। और इसमें हमारा रोटर जो होगा वो मतलब रोटेट ही नहीं करेगा, एन आर बराबर जीरो होगा। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि मैकेनिकल लोड आर एल होता है, राइट। तो ये रोटर, अब दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे देखते हैं। मतलब देखिए हमारा ना तो स्टेटर में स्लिप है, ना तो हमारा स्टेटर स्लिप पे डिपेंड है यहाँ पे, और ना ही रोटर आफ्टर मॉडिफाइंग द सर्किट ऑफ स्टेटर एज वेल एज रोटर। यहाँ पे देख सकते हैं ये ई वन, यहाँ पे ई टू, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर वन, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, रनिंग रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग रिएक्टेंस, रनिंग रिएक्टेंस, यहाँ पे वर्किंग कंपोनेंट, आई नॉट करेंट, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करेंट, और यहाँ पे ये क्या आ गया मैकेनिकल लोड। तो यही मैकेनिकल लोड को मतलब हम इक्विवेलेंट सर्किट में स्लिप से अलग करके इन दोनों को हम दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया आज इक्विवेलेंट सर्किट भी, हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर को भी हमने कवर कर दिया। तो ये पांचवा पॉइंट था, आई होप आपको समझ में आया हो कि रोटर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कैसे स्लिप पर डिपेंड है, हमने आपको दिखा दिया कैसे हमारा जो ईएमएफ है जो स्लिप पे डिपेंड होता है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो डोंट वरी, कमेंट हेयर एंड यू फाइंड अ गुड सोल्यूशन इफ़ यू कमेंट हेयर। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल, थैंक यू।